अस्सलाम वालेकुम पाक बाइकर्स, मैं हूं उस्मान नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप पाक बाइक यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज का व्लॉग को आपको समझ आ गई होगी आज का व्लॉग किन दो बाइक्स के बारे में है। तो जी, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो मुकाबला बनता है वहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, वो इन दो बाइक्स का बनता है, क्योंकि CG125 के लवर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। मैं खुद एक 125 लवर हूँ और मेरे पास CG125 क्लासिक जो मेरे राइट हैंड पर मौजूद है, और मेरे पास है सेल्फ एडिशन जो मेरे लेफ्ट हैंड पर मौजूद है। दोनों बाइक्स का आज हम कंपेरिज़न करेंगे कि इन दोनों बाइक्स में चलाने में क्या डिफरेंस है। मैंने एक व्लॉग अपलोड किया जिसके अंदर मैंने सेल्फ एडिशन बाइक परचेज़ की थी और इसका ओनर रिव्यू दिया था 500 किलोमीटर चलाने के बाद। अब ये बाइक ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चल चुका है और ये बाइक का भी मैंने ओनर रिव्यू दिया हुआ है। ये मैंने जैसे न्यू आया था 23 मॉडल CG125 क्लासिक का, तो मैंने ये परचेज़ की थी और ये ऑलमोस्ट मैंने 4000 किलोमीटर चला ली है। तो 1000 किलोमीटर का सफ़र इस बाइक के ऊपर और 4000 किलोमीटर का सफ़र इस बाइक के ऊपर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इन दोनों में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, और इन दोनों में जो 40000 का डिफरेंस है, क्या वो 40000 का डिफरेंस में हमें ये कंफर्ट लेना चाहिए या हमें वो 40000 देने चाहिए या नहीं भरने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट में देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मैं बारीकियों में बात करूँगा इन दोनों बाइक्स के हवाले से, क्योंकि 125 लवर जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें हमेशा हमने 125 को प्रेफर किया है हर बाइक के ऊपर, बहुत से दोस्तों ने और बहुत से लोग जो हैं अभी भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर मैं 125 क्लासिक की बात करूं तो 125 क्लासिक जो है काफ़ी अच्छी बाइक है, इनका मैंने ओनर रिव्यू दोनों बाइक्स का दिया हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें जो इनमें मेजर डिफ्रेंसेज आ जाते हैं दोनों बाइक्स के अंदर, वो सबसे पहले आ जाता है इस बाइक में आपको सेल्फ नहीं मिलता और इस बाइक में आपको सेल्फ मिलता है। पहले प्राइस की बात कर लें तो 2,75,000 आज की तारीख के हिसाब से इसकी प्राइस है मई के अंदर, 2023 मई के अंदर, और इस बाइक की जो प्राइस है वो है 2,30,000। 2,30,000 की CG125 क्लासिक या सिंपल है, और 2,75,000 की 2,00,000 जो है हमें सेल्फ एडिशन इसका मिल जाता है। तो इन दोनों में जो 45,000 का डिफरेंस आ रहा है, क्या हमें इन दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, तो आज का कम्प्लीट व्लॉग इस हवाले से होगा। जिस तरह आपको बताया, इस बाइक के अंदर में सेल्फ मिल जाता है, जो कि इसका सेल्फ की पहले काफ़ी ज़्यादा जो है आ रही थी कि ये सेल्फ इसका सही नहीं है, और बहुत से लोग परेशान हो रहे थे, बहुत से दोस्त जिन्होंने ली थी वो परेशान हो रहे थे कि ये इसका सेल्फ ठीक नहीं है। 2019 में उन्होंने ये मॉडल लॉन्च किया होंडा एटलस ने, और अब ये काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो चुका है। जो अब इसके सेल्फ हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे इस बाइक कभी भी इसके बाइक के सेल्फ ने मुझे तंग नहीं किया। उसके बाद जो इनमें मेजर डिफरेंस आया था वो आया था इनकी लेफ्ट असम्बलीज़ का। उसकी लेफ्ट असम्बलीज़ जो हैं वो सिंपल आपको मिल जाएंगे, जिस तरह हम 10-12-15 सालों से देखते आ रहे हैं, 2000 मेरे ख्याल से 10 से हम देखते आ रहे हैं, 13 साल हो गए सेम असम्बलीज़ आ रही हैं। इसके अंदर उन्होंने असम्बलीज़ जो हैं वो चेंज की हैं, और मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगा, साथ साथ सिनेमैटिक्स इंशाल्लाह वीडियो के स्टार्ट में लगा देंगे या वीडियो के एंड पर लगा देंगे। इसकी जो हमें लेफ्ट असम्बली मिलती है उसके अंदर हमें थोड़ी सी एडिशन मिल जाती है, राइट साइड में हमें इसका सेल्फ मिल जाता है। सेल्फ वाली असम्बली इतनी अच्छी नहीं है, मगर लेफ्ट असम्बली इसकी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद दोनों बाइक की ड्राइव वेट्स की बात कर लेते हैं। जी, जो CG125 क्लासिक है, हमें 100 किलो का मिल जाता है, 100 kg इस बाइक का ड्राइव वेट है, और इस बाइक का जो ड्राइव वेट है वो 106 किलो जो है वो इस बाइक का वजन है। दोनों में 6 kg का डिफरेंस है। अच्छा, वो 6 kg का डिफरेंस किधर है, आप लोग ये पूछ रहे होंगे। ये एक ही फ्रेम के ऊपर है, मैं ज़रा ब्लॉक को थोड़ा शॉर्ट करूँगा, लॉन्ग नहीं करूँगा। ये दोनों एक ही फ्रेम के ऊपर हैं, इनका इंजन भी सेम है, इनकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है। जो मेजर डिफरेंस है उनमें सेल्फ आ जाता है। इसके अंदर आप पार्ट अभी इस टाइम आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे, जो इसका पार्ट लगा हुआ है अपना सेल्फ का, इसकी वजह से इसका थोड़ा वेट ज़्यादा है, कुछ वेट उसका है। और उसके बाद ये हमें 5 गियर ट्रांसमिशन फॉरवर्ड ट्रांसमिशन मिल जाती है बाइक, ये हमें 4 गियर फॉरवर्ड ट्रांसमिशन बाइक मिल जाती है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें जो इस बाइक की जो सेल्फ एडिशन की जो लेफ्ट जो हमारी साइड पर मौजूद है बाइक, इसकी जो ड्रम ब्रेक है वो हमें बैक हब के साथ बड़ी मिल जाती है, उसकी हमें ये छोटी मिल जाती है। क्लासिक के अंदर वो चीज़ हमें छोटी है। आसान जुबान में कहने का मकसद ये है, इस बाइक की ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत क्लासिक के। फ्रंट तो अच्छी दोनों की है, मगर बैक उसकी ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत इस बाइक के। तो अगर आप ब्रेकिंग के हवाले से देख रहे हैं तो ब्रेकिंग इस बाइक की ज़्यादा अच्छी है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रूट के हवाले से, कि लॉन्ग रूट पर हमें कौन सी बाइक हम प्रेफर करेंगे। लॉन्ग रूट पे हमें हमेशा प्रेफर करनी चाहिए ये बाइक, क्योंकि इस बाइक के अंदर, जी हाँ बिल्कुल, वाइब्रेशन इसके मुताबिक काफ़ी कम है। मैंने ये बाइक भी यूज़ की है, मैं ये बाइक भी यूज़ कर रहा हूँ, ये दोनों माशाल्लाह मेरे बड़े भाइयों की हैं। इसके अंदर जो है वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम मिल जाती है बनिस्बत इसके। जो वाइब्रेशन मैं अगर आपको 125 लवर आप अगर आप देख रहे हैं, तो मैं आपको जो यूज़र हैं, जो ओनर्स हैं 125 के, चाहे इसके हों चाहे इसके हों, अगर कोई इससे इस पर शिफ्ट करना चाह रहा है या इससे इस पर शिफ्ट करना चाह रहा है, तो उन दोनों के लिए है। ऐसे समझे जो इस बाइक की वाइब्रेशन
80 पे है ऑलमोस्ट जो इस बाइक की वाइब्रेशन, वो इस बाइक की 70 के ऊपर है। मतलब आसान जुबान में देखा जाए तो ये 100 किलोमीटर में जो वाइब्रेशन है वो इसकी 90 पे होगी। ठीक है, बात को ज़रा समझे, इसकी जो वाइब्रेशन है वो इससे कम है, ये वाइब्रेट नहीं करता। कुछ दोस्त यहाँ कह रहे होंगे कि यार वो बाइक के ऊपर होता है, किसी ने मॉडिफिकेशन की होती हैं, तो जी बिल्कुल ये बाइक भी मेरा जेन्युइन हालत में है, इसका मैंने एक मिनट व्लॉग भी बनाया हुआ है, सिर्फ इसका साइलेंसर वगैरह चेंज है और आपको मैं इंशाल्लाह इन दोनों की साइलेंसर की साउंड भी सुनाऊंगा आखिर में। तो इसका सिर्फ साइलेंसर चेंज है, बाकी ये बाइक जेन्युइन है, मैंने इसमें कोई और नट बोल्ट इंजन वगैरह नहीं खुलवाया हुआ, ना इसका मैंने खुलवाया हुआ। तो वाइब्रेशन इस बाइक की जो है हमें वो कम मिलेगी बनिस्पत इसके, तो 45,000 में आपको वाइब्रेशन कम मिल रही है। और उसके बाद जो कम्फर्ट का इधर एक अगर हम बात करते हैं तो जी बिल्कुल कम्फर्ट भी मुझे जो पर्सनली चीज़ जो मैंने महसूस की है कि ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक तो ये वज़न ज़्यादा है, रोड पे जम के चलती है, और इसकी जो सीट है शायद आपको देखने में ना लग रही हो मगर जब यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने इस पे सफ़र किया है फिर उसके बाद इसको शिफ्ट करके इसको भी चेंज किया है, अगर मैं किसी रूट पे जा रहा हूँ तो मैंने 50 किलोमीटर वो चलाया है तो 20-30 किलोमीटर ये चलाया है, या इन सिटी भी बात करें तो वो मुझे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगी है बाइक जो सेल्फ एडिशन है। इसकी अगर हम सीट की बात करें, सीट इसकी थोड़ी सी चौड़ी ज़्यादा है, इसकी कुशनिंग ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत क्लासिक 125 के। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि क्लासिक 125 अच्छा नहीं है या ये ज़्यादा अच्छा है, दोनों में कुछ खसूसियात हैं। फिर अगर हम पिकअप की बात करें तो पिकअप इसकी ज़्यादा है जो हमारे पास आता है, एक सिंपल सी बात, इसका ड्राइव रेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, और इसके अलावा इसका जो थ्रॉटल है, जो इसका हम गियर शिफ्टिंग की जो इसकी स्पीड है, जो इसकी ट्रांसमिशन है, वो ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत इसके। ये थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आगे जाके चल रहा है, ये फ़ौरन जिस तरह आप इसको उठाओ ये उस तरह उठता है, और पाकिस्तान में जो दहशत भी है वो ज़्यादा इस बाइक की है। इसके अलावा हम बात करें तो मेजर डिफरेंस कोई नहीं है, टैंक इनके डिफरेंट हैं, टैंक का और लीटर कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, वही इनका ऑलमोस्ट 9.5 लीटर का टैंक है, 2 लीटर का इसके अंदर रिजर्व इसके अंदर भी है, 2 लीटर का रिजर्व उसके अंदर भी है, इंजन भी सेम है, इंजन में भी कोई ऐसा मसला है, मीटर भी सेम है, हेडलाइट भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ आपको नज़र आ जाएगा, इसके जो यहाँ पे हमें कान मिल जाते हैं ये क्रोम में मिल जाते हैं, इसके हमें बॉडी कलर में मिल जाते हैं, चाहे आप ये ब्लैक लें चाहे रेड लें, दोनों में आपको ये क्रोम में मिल जाएंगे। उसके अलावा जो इसके साइड कवर्स हैं वो भी क्रोम में हैं, इसके साइड कवर जो हैं वो सिंपल में आते हैं, ये अभी थोड़ा सा मैंने उतारा हुआ है इसका तो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर इसका सेम प्लास्टिक में ही होता है और बॉडी कलर में ही होता है। उसके अलावा इन बाइक में मेजर डिफरेंसेस कोई नहीं है। जो चैन कवर है उसका, इस बाइक का थोड़ा सा शोर करता है क्योंकि पार्ट्स होंडा एटलस जो है, मेरी बहुत गुजारिश है आपसे कि हम पाकिस्तानियों ने हमेशा आपका साथ दिया है, चाहे आपने इस पर 15 साल से कुछ तवील नहीं किया ना, हमने तब भी आपका साथ दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि होंडा एटलस वालों, अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ बाइक का अगर आप चेंज नहीं करें तो इसके पार्ट्स भी चेंज ना करें, इनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखें। अगर आप इन्हें क्वालिटी मेंटेन रखेंगे तो ये बाइक्स पाकिस्तान में आज भी चलेंगी और आने वाले कल में भी चलेंगी। तो इसके बाद अगर हम बात कर लें इस बाइक की फ्रंट ब्रेकिंग में इतना कोई खास फ़र्क नज़र नहीं आया, दोनों की ब्रेकिंग ऑलमोस्ट सेम है, मैंने दोनों यूज़ किए हैं जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ। तो ब्रेकिंग में फ्रंट ब्रेक के वास्ते इतना कोई मुझे खास इन दोनों में फ़र्क नज़र नहीं आया। बैक ब्रेक में जी बिल्कुल इसकी बैक ब्रेक ज़्यादा अच्छी है। इसके जो फ्रंट हब्स हैं दोनों के हैं वो एक जैसे दिखने में, उनका कोई फ़र्क नहीं है, हैं ऑलमोस्ट सेम ही, मगर जो देखा जाए तो अंदर जो इसके ड्रम्स हैं वो बड़े हैं इस बाइक के अंदर, मगर ब्रेकिंग में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो सवाल यहाँ आता है कि 45,000 क्या आपको देना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप 45,000 दे के आप अपना सेल्फ़ एडिशन लें या आप सिंपल लें। देखें, अगर आप 125 लवर और आपने बाइक में चेंजेस करने हैं और आपने इन सिटी यूज़ करना है, सिर्फ आपने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर तक यूज़ करना है, तो मेरे ख्याल से आपको इस बाइक की ज़रूरत नहीं है, आप इसी पे रहें। ठीक है, आप इस पे रहें। फ्यूल एवरेज अगर हम दोनों की नोट करें तो मैंने ये बाइक चूँकि नहीं है अभी, वो 4,000 चली हुई है, तो ये मुझे ऑलमोस्ट 38-40 तक देती है। मैं हमेशा हर व्लॉग में कहता हूँ जिन दोस्तों की 40 या 40 से ऊपर बाइक देती हैं वो नसीबों वाले हैं, माशा उनकी बाइक भी नसीबों वाली है। तो इसकी मुझे ऑलमोस्ट अभी 37-36 तक की फ्यूल एवरेज मिल रही है। इंशाल्लाह मैं इसकी 2-3 हज़ार किलोमीटर चल जाए ये बाइक तो फिर मैं नोट करके बॉटल के अंदर डाल के लीटर पेट्रोल दोनों का रिव्यू बनाएंगे कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो ये था गाइज आज का हमारा शॉर्ट सा व्लॉग। तो अगर आप कहेंगे कि 45,000 में कौन सी बाइक लें तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपने सिटी में यूज़ करनी है आप इसको प्रेफर करें, अगर आप 125 लवर हैं और आपको लॉन्ग रूट पर भी चाहिए, फैमिली के साथ भी यूज़ करना है, तो आप इसको ज़्यादा प्रेफर करें। ठीक है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन कम आपको मिलेगी, इसमें 5 गियर ट्रांसमिशन है। 5वां गियर मैं बता दूं, मैं हमने पहले भी बता चुका हूं कि इसका आपको 90 या 100+ की स्पीड पर लगता है, उससे पहले नहीं लगता, इसमें होते ही 4 गियर हैं। तो अगर आपने थोड़ी लॉन्ग रूट की तरफ जाना है, 50-60 किलोमीटर आपकी ट्रैवलिंग है और आप लवर हैं इस बाइक के, तो आप इसको प्रेफर करें, अदरवाइज़ आप इसको प्रेफर करें। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है दोस्तों को पसंद आया होगा, और अब आप मेरे ख्याल से ये तय कर सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए
आप चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।